बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हम चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर हमने कोरोजन और अंडी इन्फ्लुएंस के ऊपर बात कर चुके हैं, आज के लेक्चर के अंदर हम किस पर बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं फ्रॉड और मिसरीप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम फ्रॉड को देख लेते हैं। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्यूज। फ्रॉड के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो दर्ज ज़ेल है। बाय अ पार्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट विच हिज कन्वीनियंस by his agent, by a party to a contract, जो किसी के साथ कंट्रैक्ट कर लेते हैं, विद हिज कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मीन फ्रॉड, विद इंटेंट टू डिसीव, किसी को धोखा देही करना भी किसके अंदर आता है, फ्रॉड के अंदर। किसी के साथ धोखा करके उसके साथ कंट्रैक्ट करना क्या है, फ्रॉड कहलाता है। अब ये कहते हैं फ्रॉडुलेंट एक्ट क्या होते हैं, इंटेंशनल फॉल्स असर्शन, यानी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट मेड नोली और विद आउट बिलीफ इट्स ट्रूथ, यानी जो किसी की सच्चाई के जानने बगैर ही कोई अगर रिप्रेजेंटेशन हो तो वो क्या कहलाती है, फ्रॉड कहलाती है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, ये कहते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैकिंग हैविंग नॉलेज ऑफ बिलीफ ऑफ द फैक्ट सच एज वेयर स्टेप्स आर टेकन बाय अ सेलर कंसीलिंग सम मटेरियल फैक्ट सो दैट द बायर इवन ऑफ फ्रॉड इज अनेबल एग्जामिनेशन कैन नॉट ट्रेस द डिफेक्ट द अमाउंट टू फ्रॉड, यानी कब कोई किसी के साथ कैंसलमेंट की जाती फैक्ट की बनाए किसी को सेलर को पहले मौजूद होता है कि इसके अंदर कोई ना कोई फैक्ट मौजूद है, लेकिन जो लेने वाले को वो फैक्ट ना बताए तो ये भी क्या है, फ्रॉड में मौजूद होता है। इंटेंशनल नॉन परफॉर्मिंग प्रॉमिस मेड विद एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट कॉन्स्टिट्यूट्स टू फ्रॉड, यानी प्रॉमिस है मेड विदाउट एन इंटेंशन, यानी किसी के साथ प्रॉमिस कर लिया जाए विदाउट किसी इंटेंशन के या परफॉर्मिंग के, वो भी किसके अंदर जाता है, फ्रॉड के अंदर जाता है। इंटेंशन टू रिसीव, यानी कि किसी को धोखा देने की इंटेंशन होना, वो भी किसके अंदर जाता है, फ्रॉडुलेंट के अंदर जाता है। सर्टेन एक्ट्स और ओमिशन, सर्टेन एक्ट्स ये सिचुएशंस होगी, लॉ डिक्लेयर्ड सर्टेन एंड ओमिशन टू भी क्या होते हैं, फ्रॉडुलेंट के अंदर जाते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, आजम सेल्स टू बाबर लोकली मैन्युफैक्चर गुड्स, ठीक है, आजम ने क्या किया, बाबर को गुड्स हैं उनको बेचा, रिप्रेजेंटिंग देम टू इम्पोर्टेड गुड्स चार्जिंग द हायर प्राइस, हालांकि उसने लोकली चीज़ें थी लेकिन उसने ये सोच कर बेचा, ये ध्यान में लाकर बेचा कि उस कहकर बेचा कि ये क्या है, ब्रांडिंग है और इम्पोर्टेड है, तो इट अमाउंट्स टू फ्रॉड, उसने ज़्यादा पैसे लिए क्योंकि उसने कहा कि ये इम्पोर्टेड है। उसके बाद एक्टिव कंसलमेंट ऑफ फैक्ट एग्जाम्पल देख लें, जिया ऑफ फर्नीचर डीलर कैंसिल द क्रैक्स फर्नीचर सोल्ड बाई हिम बाई यूजिंग सम पैकिंग मटीरियल एंड पॉलिशिंग इट इन सच अ वे दैट वेयर इवन आफ्टर रीजनेबल एग्जामिनेशन कैन नॉट ट्रेस, यानी उसको पता था कि ये फर्नीचर के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं और उसने उन फैक्ट्स को छुपाने के लिए उसके ऊपर क्या कर दिया, पॉलिशिंग कर दी, जिससे उसके अंदर उस टाइम के अंदर वह उनको ट्रेस नहीं कर सकता, तो ये भी क्या है, फ्रॉड है। उसके बाद इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस, बाइंग गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद इंटेंशन नॉन पेइंग द प्राइस इज फ्रॉड। उसके बाद आपने एग्जाम्पल खुद पढ़नी है, इसके बाद मैं बताने वाला हूँ असेंशियल ऑफ फ्रॉड की क्या असेंशियल है। ये कहते हैं पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट द फ्रॉड मस्ट बी कमिटेड टू अ पार्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन विद इट्स कन्वीनियंस बाय हिज एजेंट दैट्स फ्रॉड बाय अ स्ट्रिंजेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अफेक्ट इट्स वैलिडिटी। इसके अंदर बताया गया है कि जो पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट कमिट करती है पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को, पर एनीवन विद हिज कन्वीनियंस कोई भी शख्स उसके साथ कन्वीनियंस है पर हिज एजेंट एजेंट के साथ तो फ्रॉड बाय स्ट्रेंजर जो कि स्ट्रेंजर के साथ फ्रॉड किया गया टू द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होगी इट मीन दैट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दैट द नॉलेज ऑफ इज फॉल्स हुड, यानी किसी चीज़ के बारे में उसको फॉल्स हुड का पता भी हो लेकिन उसको हम छुपाए रखें तो ये भी फ्रॉड के अंदर जाता है। रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट अ मोर ओपिनियन डज नॉट अमाउंट टू अ फ्रॉड, अ रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट दैट इट अमाउंट टू फ्रॉड, यानी रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट क्या होना चाहिए, फैक्ट देन अगर वो उसको जो उसने रिप्रेजेंटेशन की है वो हालांकि ओरिजिनल नहीं है उसके बाद भी उसको ओरिजिनल बता रहा है तो क्या कराया, फ्रॉड कहलाता है। एक्चुअली डिसीव क्या है, वेट डज नॉट रिसीव इट्स फ्रॉड डिसीट, ठीक है, द फ्रॉड मस्ट हैव एक्चुअली रिसीव द अदर पार्टी हु हैव एक्टेड टू बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद है सफर लॉस, लॉस हैज़ बीन सफर्ड बाय द पार्टी हु एक्टेड ऑन द रिप्रेजेंटेशन,
सिंपल देखें, आबिद नो डैट इज वॉच इज मेड इन पाकिस्तान। आबिद को पता था कि ये वॉच कहाँ से बनी है, पाकिस्तान से बनी है। बट टेल्स बाबा, उसने बाबा को कहा कि डैट हैज बीन मेड इन जापान। उसने बाबा को कहा कि ये कहाँ से आई है, जापान से आई है। बाबा बाय द वॉच और लॉट सम, उसने बहुत ज़्यादा कीमत में से खरीद लिया। द फ्रॉड वाज कमिटेड बाय द पार्टी एट द कॉन्ट्रैक्ट। इट वॉज फास्ट रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट ओरिजिन प्रोडक्ट की जाती है। मिस रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू फैक्ट देयर वॉज अ क्लियर इंटेंशन टू डिसीव। इसी खास क्लियर इसको इंटेंशन है कि उसने धोखा दिया है। बाबर सफर लॉस पेयरिंग ए लार्ज सम, ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या है। द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड एज फॉलो, कंट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एंड द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज अ कॉज्ड। इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड, द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड आर एज फॉलोज। द कंट्रैक्ट बिकम्स क्या हो जाएंगे, जो इसके अंदर जो कंट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, ठीक हो गया। पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड इंसिस्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्ट, जो कि जो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस वो भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा तो उसकी परफॉर्मेंस क्यों होगी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देखिए, आप इज नो डैट वी इज वॉच मेड इन पाकिस्तान, ये हमने पढ़ लिया है। आगे चलते हैं, एक्सेप्शन ऑन रिसेंट द कंट्रैक्ट, ठीक है। वो कहता है कि एक्सेप्शन क्या है, साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, यानी कब को कहता है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक्स है और सेलर उस वक्त खामोशी से खड़ा रहे, उसको कोई जवाब ना दे, तो इससे पता चल जाएगा कि ये उसके अंदर कोई नुक्स नहीं। हालांकि वो उसके साथ, उसको पता भी है कि ये, उसको पता भी है कि ये सब कुछ उसके अंदर मिस्टेक्स हैं, लेकिन फिर भी वो खामोश रहे, तो ये भी किसके अंदर जाएगा, फ्रॉड के अंदर जाएगा। दूसरी है, द पार्टी की कंसेंट इज इग्नोरेंस, वो इसको इग्नोर करे, उसके अंदर जो भी नुक्स है, कोई नुक्स है वो उसको इग्नोर करे, उसको ना बताए, तो वो भी क्या है, फ्रॉड में जाएगा। द पार्टी आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द फ्रॉड, और पार्टी को पता भी है, पार्टी को पता भी है कि इसके अंदर ये फ्रॉड है, लेकिन फिर भी वो अगर उसको ना बताए लेने वाले को, तो वो अभी कहाँ जाएगा, फ्रॉड के अंदर जाएगा। द पार्टी आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द फ्रॉड टेक्स अ बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टी आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द फ्रॉड टेक्स अ बेनिफिट अंडर कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट से जो फ्रॉड से बनाया गया था, उससे जो बेनिफिट लें, वो भी किसके अंदर जाएगा, फ्रॉड के अंदर जाएगा। उसके बाद है इनोसेंट थर्ड पार्टी बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, जो थर्ड पार्टी आ गई इसके अंदर, उसको भी पता नहीं है, तो ये भी फ्रॉड के अंदर जाएगा। उसके बाद पार्टी कैन नॉट रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन, और पार्टी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापस नहीं आ सकती। एग्जाम्पल देखें, कामरान बॉट अ कार फ्रॉम हबीब, ठीक है, कितने की बराला के हबीब डिड नॉट टेल द कार वाज फुली रिपेंटेड, और उसको ये नहीं बताया कि यह कार रिपेंट, दोबारा रिपेंट की गई है। कामरान कैन नॉट रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, कामरान ने उसको ख़त्म नहीं किया। ऑल्दो हबीब साइलेंस अमाउंटेड टू फ्रॉड, उसकी जो साइलेंस है किस को ज़ाहिर कर रही है, फ्रॉड को ज़ाहिर कर रही है। द रिपेंटिंग ऑफ कार कुड हैव बीन डिस्कवर्ड बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस, उसके बाद आगे एक्सेप्शन ऑफ रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट हम इस पर देख लेते हैं, ठीक हो गया। अहमद सोल्ड वीट ऑफ सर्टेन क्वालिटी ठीक है, सर्टेन क्वालिटी टू हसन बाय फ्रॉड विच हसन एंड हिज फैमिली इज कंज्यूम्ड, ठीक है। लेटर बाद में हसन डिस्कवर द फ्रॉड, बाद में हसन को पता लगे इसके अंदर जो कि फ्रॉड है रिकॉर्डिंग क्वालिटी ऑफ वीट। हसन कैन नॉट रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टी कैन नॉट रिस्टोर देयर ओरिजिनल पोजीशन, तो हसन में क्लेम द डैमेज, और उसको वापस नहीं ला, क्योंकि उसको वो वीट खर्च
खा गए हैं, इसी वजह से आप उसके जो डैमेज हुए वही सिर्फ क्लेम कर सकता है। उसके बाद साइलेंस एज टू फ्रॉड, फ्रॉड के अंदर जो खामोशी है उसके बारे में क्या कहता है। मेरे साइलेंस एज टू फैक्ट लैक्ड टू फैक्ट द विलिंगनेस ऑफ द पर्सन टू एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट, और इस बात को ध्यान कर तो उसकी खामोशी उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाने की बात वो कन्फर्म कर रही, क्योंकि जब उससे पूछते हैं तो जवाब देते हैं तो इस मत है कि इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये एक फ्रॉड है। अनलेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस आर सच दैट पार्टी स्टैंड इन फिजिकली रिलेशनशिप सेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, इस केस की जो साइलेंस है वो किसके बराबर हो गई है, स्पीच के बराबर हो गई है, और वो आगे लेने वाला समझ जाता है कि इसके अंदर कोई नुक्स नहीं है, हालांकि उसके नुक्स है और वो छुपा रहा होता है, फ्रॉड कर रहा होता है। एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, अमीर सेल्स बाय एक्शंस टू बर्न हॉर्स विच अमीर नोज टू बी अनसाउंड, अमीर को पता है कि ये घोड़ा क्या है, अनसाउंड है। अमीर से नथिंग टू बर्न अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस, और अमीर बालों को नहीं पता था कि इसके अनसाउंडनेस के बारे में, दिस इज फ्रॉड बाय अमीर। ये था टॉपिक जिसके अंदर हमने फ्रॉड को डिटेल के साथ पढ़ा।